स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 लेकर के आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर की हिंदी करी थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न उत्तर करना है, प्रश्न उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र किम वचिंत्यत, कि जब वो दूसरे देश में जाने की इच्छा वाला जो बनिए का पुत्र था वो क्या सोच रहा था। तो देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र व्यचिंत्यत, यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगः भुक्तः तस्मिन् स्थाने यः विभवविहीनः वसेत सा पुरुषः अधमः भवति, कि दूसरे देश में जाने की इच्छा वाला जो बनिए का पुत्र था वह यह सोच रहा था कि यत्र देशे अथवा स्थाने, कि जिस देश में अथवा स्थान पर स्ववीर्यतः कि अपने शक्ति से भोगों का भोग किया है, वहाँ तस्मिन् स्थाने वहाँ उस स्थान पर धन से हीन होकर जो रहता है वह नीच आदमी होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठि किम अकथ्यत, कि अपनी तुला को जब उसने मांगा तो जीर्ण धन जो सेठ था उसने क्या कहा। स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धन श्रेष्ठि अकथ्यत भो नास्ति सा त्वत इया तुला मुष्कः भक्षितः, कि अरे वो तो नहीं है, उसको तो उस तराजू को चूहा जो है खा गए। जीर्णधनः गिरिः गुहा द्वारम् कया आच्छाद्य गृहमागतः, कि जीर्णधन ने जो उसका शिला का द्वार था वो किससे बंद कर दिया था। तो जीर्णधनः गिरिः गुहा द्वारम् बृहत् शिलया आच्छाद्य, बहुत बड़े पत्थर से शिला से आच्छाद्य गृहम् आगतः, और वह घर आ गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें है स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिन किम उवाच, जब स्नान से आए हुए पुत्र के विषय में वणिक पुत्र ने बनिए के पुत्र ने सेठ से क्या बोला था। तो स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिन उवाच नदी तटात सह शयनेन हरतः, कि नदी के तट से उसे बाज जो है हर कर ले गया। धर्माधिकारी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम संतिष्ठतो, कि जो धर्म अधिकारी थे न्यायाधीश थे उन्होंने जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया था। तो धर्म अधिकारी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनौ परस्परम तुला शिशु प्रदानेन, कि तुला और शिशु का आदान प्रदान करने से वो दोनों संतुष्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जीर्णधनः विभववक्ष्यात् देशांतरम गन्तुम इच्छन् विचिन्त्यत, जीर्णधन की जगह क्या आ जाएगा कह। श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणम् आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, अभ्यागतेन की जगह आ जाएगा केन। श्रेष्ठि उच्च स्वरेण उवाच भो अब्रमण्यम अब्रमण्यम, तो इसकी जगह क्या आएगा किम आएगा। अगला है सभ्यता परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतिष्ठतौ, तो तुला शिशु प्रदानेन की जगह क्या आ जाएगा कथम प्रदानेन न, कथम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है। श्लोकानाम अपूर्ण अन्वयः प्रदत्तः पाठम आदृत्य तम पूर्यत, कि श्लोक जो है अपूर्ण है अन्वय उनको पाठ में आए हुए को पूरा करना है। यत् द्रेशे अथवा स्थाने डैश भोगः भुक्तः डैश विभव विहीनः यः स पुरुषः अधमः, तो स्ववीर्यतः आ जाएगा यहाँ पर तस्मिन्, और इधर आ जाएगा वसेत स पुरुषः अधमः। अगला है राजन यत्र लौहस्त्रस्य डैश मुष्कः खादन्ति तत्र शयने शयनः डैश हरेत अत्र संचयः न, तुलाम खादन्ति और बालकम, तो ये हमारा अन्वय पूरा हो गया। इसमें हमें तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र ल्यप प्रत्यय न अस्ति, रेखांकित करना है जिनमें ल्यप प्रत्यय नहीं है, तो ये है विहस्य लौहस्त्रस्य संबोध्य और आदाय, ये चार शब्द दिए हुए हैं, इसमें से लौहस्त्रस्य में ल्यप प्रत्यय नहीं है।
अगला है यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जिसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम स्नानोपकरणम सत्वरम कार्यकारणम, तो इसमें सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जिसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है, वो चुनना है पश्यतः स्ववीर्यतः श्रेष्ठिनः और सभ्यानाम, तो स्ववीर्यतः में षष्ठी विभक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, संधि संधि विच्छेदन व रिक्त स्थानानी पूर्यत, संधि या संधि विच्छेद का रिक्त स्थान बनने हैं। तो पहला है श्रेष्ठ्य अहा, तो क्या हो जाएगा श्रेष्ठी प्लस अहा। अगला है डैश प्लस दो प्लस अपि, क्या बनेगा द्वापि पुरुषो उपार्जिता, तो इसका हो जाएगा पुरुष प्लस उपार्जिता। अगला है यथा प्लस इच्छा, क्या बनेगा यथेच्छा। स्नानो उपकरणम का होगा स्नान प्लस उपकरणम, और स्नान प्लस अर्थम का हो जाएगा स्नानार्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें करना है समस्त पदम विग्रह व लिखत, इन पदों का विग्रह लिखना है। तो पहला है जैसे स्नानस्य उपकरणम, तो इसका क्या हो जाएगा स्नानो उपकरणम। गिरि गुहायाम का क्या हो जाएगा गिरे गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी, तो धर्म अधिकारी, और विभव विहीना का हो जाएगा विवेनहीना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें हमें क्या करना है यथा अपेक्षम अधोलिखितानाम शब्दायाम साहित्या लोहो तुला इति कथायाम, इस कथा का हमें सारांश लिखना है संस्कृत भाषा में। तो ये हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें लोहो तुला का सारांश लिखना है। तो एक जींडर नामक वणिक पुत्र आसीत, एक जींडर नाम का बनिए का पुत्र था। तस्य पार्श्वे एक लोहो तुला आसीत, उसके पास एक लोहे की तराजू थी। निर्धन भूत्वा सह लोहो तुलाम श्रेष्ठन गृह निषेप भूता कृत्वा विदेशम गतः, कि जब वो निर्धन हो गया था तब वह अपने लोहे की तराजू को एक सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर विदेश चला गया। प्रत्यागतः, और जब वह वापस आया सह श्रेष्ठिनहम लोहतुलाम अयाचत, और उसने अपनी सेठ से तराजू मांगी। श्रेष्ठ उवाच, तो सेठ बोला सातु मुष्क ही बक्षिता, उसको तो चूहा खा गया। ततः सह श्रेष्ठ पुत्रेण सह स्नानार्थम गतः, तब वह सेठ के पुत्र के साथ स्नान के लिए गया। तेन श्रेष्ठ पुत्र गिरि गुहाया निक्षिप्तः, तब उसने सेठ के पुत्र को एक गुफा में जो है बंद कर दिया। श्रेष्ठ पृष्ठ स अवदत्त, श्रेष्ठ सेठ के पूछने पर वह बोला बालः शैनेन अपृतः, शैनेन का अर्थ होता है बाज, कि बाज बालक को जो है बाज हर कर ले गया। विवदमानो तो राजकुलों गता, और झगड़ते हुए दोनों राजकुल चले गए। धर्माधिकारिणी सर्वम वृतांतम ज्ञात्वा, जब धर्माधिकारी ने सभी वृतांत को जाना, ज्ञात्वा परस्परम तुला शिशु प्रदानम, और एक दूसरे को उनको तराजू और बालक जो है आदान प्रदान करवाकर उनको संतुष्ट किया। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर की हिंदी करी थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।